ब्रेन हैमरेज की वजह से ही प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वो दवाइयाँ वगैरह खाते थे। जब मार्च में वो एडमिट होने जा रहे थे एंड में ना, तो मुझे पैसे भेज दिए, ठीक है 12-13 हज़ार मुझे पैसे भेज दिए। उन्होंने कहा कि 2-3 महीने तक मैं पैसे नहीं भेज पाऊँगा। सेंटर भी महाराष्ट्र है। यही तो दिक्कत हो गई, महाराष्ट्र में क्यों डाला सेंटर। पापा एक्सपायर हुए, वो भी मुझे ना किसी किसी और के थ्रू पता चली। मुझे बताया ना, वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, वो ठीक हैं और मैं जाऊंगी उनसे बात करूंगी, बात नहीं करूंगी तो उनको देखूंगी एक्चुअल में। जब एग्ज़ाम आया ना, तो एग्ज़ाम 7th ऑफ मई को था, उससे पहले ही मेरे, जैसे बताया आपको कि मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे 29th अप्रैल को। रीज़न यही नहीं, उनको ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस थी उनको। हाँ, उनको मतलब प्रॉब्लम थी 2022 से ही प्रॉब्लम थी उनको, नवंबर से। आपको पता था? मुझे ये नहीं पता था कि इनको ये हुआ है, मुझे इतना बस पता था कि वो बीपी की दवाइयाँ वगैरह खाते थे ना, उनको प्रॉब्लम थी, मतलब ब्रेन हैमरेज की वजह से ही प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वो दवाइयाँ वगैरह खाते थे। तो पापा बोल रहे थे कि उनको हेडेक वगैरह हो रहा है, और वो दवा खा रहे तो ठीक हो जा रहे हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा था दवाइयाँ वगैरह। और डॉक्टर्स ने इतना ही मतलब शुरू शुरू में मतलब डायग्नाइज नहीं कर पाए कि क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं प्रॉब्लम थी। और ये नवंबर से लेके अप्रैल तक उनको प्रॉब्लम थी, और मैं इस बीच में एक दिन भी घर नहीं आई हूँ, ऐसा था। जब एडमिट थे ना पापा, तब भी मुझे नहीं बता रहे हो वो क्या किए। मुझे याद है, मतलब जब मार्च में वो एडमिट होने जा रहे थे एंड में ना, तो मुझे पैसे भेज दिए, ठीक है 12-13 हज़ार मुझे पैसे भेज दिए। उन्होंने कहा कि 2-3 महीने तक मैं पैसे नहीं भेज पाऊँगा, ठीक है। वो ये सोच के कि कोई किसको पैसे भेजेगा कि नहीं भेजेगा, ऐसा सोच के। और मैंने कहा कि एक ही बार इतना क्यों भेजना है, धीरे धीरे करके भेजना था ना, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। सोचती थी मैं, ज़्यादा पैसे होते तो मैं बहुत जल्दी खर्च कर देती हूँ। मैं सोचती थी कि थोड़ा पैसा भी कम भेजते, कोई भी चीज़ हो। मुझे उतना क्लियर नहीं बताते थे, बोलते थे कि बस पढ़ते रहो और अपने एग्ज़ाम पे फोकस करो, लास्ट अटेम्प्ट है। पढ़ाई तो ठीक जा रही है, लेकिन ये जो है ना, महाराष्ट्र में थे अप्रैल में? हाँ महाराष्ट्र में थी मैं। सेंटर भी महाराष्ट्र है? यही तो दिक्कत हो गई, महाराष्ट्र में क्यों डाला सेंटर। अगर महाराष्ट्र में सेंटर नहीं डाला होता ना, तो मैं घर पे आ जाती। बहुत गलती हो गई, महाराष्ट्र में सेंटर डाल दिया। और फिर बाद में मतलब सब कुछ जो भी घर पे चल, सही डिसीजन था ना, पर आपको थोड़ी पता था। मुझे नहीं पता था, तो गलती थोड़ी हुई, सही डिसीजन था बेटा। सही था, पर अपनी तरफ से डिसीजन सही था, जहाँ रह रहे थे पापा ने कहा था एग्जाम निकाल ले, तो वहीं सेंटर डाला, सब सही था। मतलब जब पापा एक्सपायर हुए, वो भी मुझे ना किसी किसी और के थ्रू पता चली मुझे कि किस डेट को, जैसे 29 को हुआ था, 29 अप्रैल। नहीं, उस दिन मुझे नहीं पता चला। आपको 29 अप्रैल को पता ही नहीं चला? पापा के दोस्त का कॉल आया, उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने ये बात बोली, जो भी बात है ना बोल दिया, डायरेक्ट बोला। और वो मैंने बोला कि ऐसा तो बात नहीं है, मतलब एक बार को तो मुझे शॉक जैसा फील हुआ, फिर उसके बाद मैंने जल्दी से फ़ोन काटा उनका जो भी थे वो, और बोला भी कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, को सोचना चाहिए था ना, ऐसे कैसे बोल दे रहे हैं आप ये बात। वो तो एडमिट है ना अभी हॉस्पिटल में, मैं उन्हीं को उल्टा बोल देती हूँ। फिर उसके बाद मैं जल्दी से घर पर कॉल करती हूँ दीदी को, कॉल करती हूँ तो दीदी भी बोलती है सब नॉर्मल है, पापा एडमिट है, थोड़ा सा तबीयत खराब है। और उस पर बिलीव करने की पूरी कोशिश करते हैं कि काश यही सच हो, ऐसे ऐसे होगा, पर अंदर से एक आवाज़ आ रही होती है कि एक्चुअल में सच कुछ और है। कुछ और है, ऐसा ही हुआ था मेरा उस वक्त, उसी वक्त बिल्कुल ऐसा ही सिचुएशन था। मैंने खुद को एक अल्टरनेटिव वे दिया था, 3rd में 4th में 5th में 4 दिन थे एग्ज़ाम को, 6th में। तो फिर उसके बाद मैंने वही जो मुझे करना चाहिए था, एक्चुअली मुझे करना चाहिए था जो, जैसे रिवीजन, टेस्ट, यही सब किया मैंने, और कुछ नहीं किया मैंने, यही सब किया जो एक्चुअल में करना चाहिए था मुझे, जैसे नीट एस्पिरेंट करता है अपने एग्ज़ाम से पहले, मैंने वही किया। और जब भी ख्याल आता था घर का ना, तो मैं यही सोचती थी कि बताया ना, वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, वो ठीक हैं और मैं जाऊँगी उनसे बात करूँगी, बात नहीं करूँगी तो उनको देखूँगी एक्चुअल में। 8 तारीख को घर पहुँचे? 8 तारीख को घर गई, उस दिन घर गई मैं, ऐसा था। आई एम रियली सॉरी, बट इसके बाद मम्मी भी, हाँ वो कब हुआ है? ओ जून,
उनके क्या रीज़न रहा? उनको बहुत सी प्रॉब्लम थी पहले से भी, प्रॉब्लम जैसे कि डायबिटीज़ वगैरह होता था, फिर पूरे इनके जो लोअर एब्डोमेन है ना उनमें पेन स्वेलिंग वगैरह होता था। 29 अप्रैल फादर एंड देन 11th जून को मदर। कई बार होता है लाइफ पार्टनर जो साथ रहते हैं ना लंबे टाइम तक, वन पासेस अवे तो दूसरे का सपोर्ट बहुत तेज गिरता है, सब लोग बोल रहे थे ये होता है बहुत ज्यादा, सब लोग बोल यही तो बोल ये बोल रहे थे रिलेटिव वगैरह ऐसा था। वीडियो देख के जाइए अपने माँ बाप के साथ बैठ के भाई बातें कर लीजिए थोड़ी।